सैमसंग गैलेक्सी A62। सच बताऊं तो 25,000 के अंदर वन ऑफ माय फेवरेट फोन। लेकिन यार सच बात तो यही है कि कोई भी फोन परफेक्ट नहीं होता है। अगर कोई भी फोन परफेक्ट होगा तो यार उस ब्रांड का जो नेक्स्ट फोन आएगा वो ज्यादा बिकेगा नहीं। तो यार कंपनी को भी ये चीज मालूम है, तो कंपनी जानबूझ के हर एक फोन में कुछ कुछ कमियां छोड़ देते हैं एंड उसके नेक्स्ट फोन में उस कमियां को फुलफिल कर देते हैं ताकि उसके नेक्स्ट फोन भी मार्केट में टिक पाए। तो इस फोन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो यार आपको मैं फिर से बताना चाहूंगा कि ये फोन को मैं बुरा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। ऊपर से तो सैमसंग गैलेक्सी A62 वन ऑफ माई फेवरेट स्मार्टफोन है। लेकिन यार अगर आप 25,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो यार आपको जानना चाहिए कि उस फोन में क्या क्या कमियां हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम है या फिर नहीं, ताकि फोन खरीदने के बाद आपको ऐसा फील ना हो अरे यार इस फोन में तो ये नहीं है, अरे इस फोन में तो वो थोड़ा कमियां है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एंड यार आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को जरूर पूरा देखना। तो चलो यार फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले इस फोन में मुझे जो प्रॉब्लम दिखा वो है इसका वेट एंड थिकनेस। तो सबसे पहले अगर इसको वेट की बात करो तो ये फोन आपको 220 ग्राम के देखने के लिए मिल जाता है। ऊपर से आप लोग अगर टेम्पर्ड ग्लास एंड बैक कवर चढ़ोगे तो यार 250 ग्राम तो हो ही जाएगा। लेकिन जनरली हम जो फोन यूज करते हैं ना, ये फोन 160 से 180 ग्राम एंड ज्यादातर 190 ग्राम हो जाता है। तो यार इस फोन को पकड़ने में आपको थोड़ा हेवी एंड अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। एंड अगर थिकनेस की बात करो तो यार ये फोन आपको 9.8 mm का थिकनेस पे मिल जाता है। जनरली जो फोन मार्केट पे अवेलेबल है वो हमें जनरली 7 या फिर 8 mm का थिकनेस पर मिलता है। तो थोड़ा बल्की होने के कारण ये फोन आपको पकड़ने में दिक्कत हो सकता है। लेकिन अगर आपका हाथ थोड़ा मोटा है तो मुझे लगता है कि ये फोन यूज करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। गाइज इसका जो दूसरा प्रॉब्लम है वो है इसका स्क्रीन। इसमें आपको एक 6.8 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड स्क्रीन मिल जाएगा। ऊपर से आपको HDR 10 का भी सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन यार हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि ये एक 25,000 के रेंज का फोन है। लेकिन इसमें आपको 60 हर्ट्ज का ही एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। अगर इसी फोन में हमें 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिल जाता तो यार मेरे हिसाब से काफी बढ़िया होता, क्योंकि यार आजकल मार्केट में जो 20,000 के अंदर फोन आ रहा है ना उसमें आपको ज्यादातर 90 हर्ट्ज या फिर 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिल जाता है। लेकिन इस फोन में भी आपको एक एडवांटेज मिल जाएगा जो कि है इसका सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले। लेकिन यार फिर भी 25,000 के रेंज में हमें 90 हर्ट्ज तो कम से कम मिलना चाहिए। अगर आप वन प्लस नॉट को देखेंगे तो उसमें हमें 90 हर्ट्ज का सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी मिलता है लगभग सेम प्राइस रेंज में। तो मेरे हिसाब से इसमें तो 90 हर्ट्ज होना चाहिए था। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। तो यार अभी अगर बात करते हैं इस फोन का तीसरा प्रॉब्लम की, तो यार मेरे हिसाब से इसमें 5G नहीं है वो इसका तीसरा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वो एक प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए। क्योंकि इंडिया में तो 5G आने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। ऊपर से 5G जब आएगा उसका प्लान्स भी बहुत ज्यादा महंगा होगा। तो जब महंगा मतलब जब सस्ता हो जाएगा हम सब ले पाएंगे, तब मतलब 3-4 साल तो लग ही जाएगा। एंड तब तक तो शायद आप इस फोन को यूज ही नहीं करोगे, दूसरा आप नया फोन ले लोगे 3-4 साल में। तो मेरे हिसाब से 5G ना होना इस फोन का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यार फिर भी इसका नेटवर्क में प्रॉब्लम है, क्योंकि यार इसमें 5G नहीं मिलेगा। छोड़ो वो सब छोड़ो, वो तो ठीक है, लेकिन यार 4G मिलेगा आपको, सिर्फ 4G मिलेगा, 4G प्लस नहीं मिलेगा। आजकल को जितना भी फोन आता है ना 12,000-13,000 रुपया में, एंड माइक्रोमैक्स का जो 10,000 में फोन आया था ना उसमें भी था 4G प्लस का सपोर्ट। गाइज अगर आपको नहीं पता है कि 4G प्लस क्या है तो यार मैं आपको बता देता हूँ कि 4G प्लस मतलब होता है कैरियर एग्रीगेशन। तो यार कैरियर एग्रीगेशन क्या है वो हम आपको अलग से एक वीडियो में समझा देंगे। लेकिन यार आप ये समझ लो कि इसमें कैरियर एग्रीगेशन नहीं है, एंड जिस फोन में कैरियर एग्रीगेशन नहीं होता है ना उस फोन में डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड बहुत ज्यादा कम होता है। तो यार एग्जाम्पल आपके सामने है, एंड आप अगर गांव में रहते हो जिधर नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा वीक है तो उधर आपको ये फोन के साथ प्रॉब्लम हो सकता है। एंड यार आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आप गांव में रहते हो ना एंड आपका फोन में कनेक्शन थोड़ा वीक है, कभी कभी फोन लगता है कभी कभी फोन नहीं लगता है, तो यार इन केस में ऐसा हो सकता है कि आपका फोन में कैरियर एग्रीगेशन नहीं है। अगर कैरियर एग्रीगेशन होता तो यार शायद आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं देखने के लिए मिलता। तो मेरे हिसाब से 25,000 के फोन में कैरियर एग्रीगेशन नहीं होना एक काफी बड़ी डाउन पॉइंट है जो कि होना चाहिए, क्योंकि यार हम फोन में गेम खेलते हैं एंड जो भी कुछ करते हैं मेन तो हमारा कॉल करना होता है ना। अगर आप कॉल ही ठीक ठाक नहीं कर पाओगे तो यार क्या फायदा। लेकिन फिर भी अगर सिटीज में रहते हो, बड़ी बड़ी शहर में रहते हो तो यार आपको शायद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है इस फोन के साथ। एंड यार इस फोन का जो चौथी प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि यार इसका वीडियोग्राफी में आपको थोड़ा प्रॉब्लम देखने के लिए मिल जाएगा। हाँ इसमें रेजोल्यूशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें तो 4K रेजोल्यूशन में भी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन यार आप कोई भी हालत में इस फोन से 60fps में वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। चाहे आप HD वीडियो शूट कर लो या फिर फुल HD कर लो या फिर 4K में करो, आप इस फोन से मैक्सिमम 30fps में ही वीडियो को शूट कर पाओगे। ये तो 24,000 का फोन है, आपको मैं 20,000 भी नहीं, आपको मैं 15,000 के फोन के बात कर रहा हूँ। तो यार 15,000 के रेंज में जितना भी फोन आता है ना उस फोन में आपको 720p एंड फुल HD में 60fps तक वीडियो शूट करने का ऑप्शन मिल जाता है, एंड जिसमें 4K सपोर्ट करता है उसमें आप 4K सेटिंग में 30fps तक वीडियो को शूट कर सकते हो। लेकिन यार इस फोन में आप कोई भी हालत में 60fps में शूट नहीं कर पाओगे।
तो यार अभी हम बात करेंगे हमारा फिफ्थ प्रॉब्लम यानी इस फोन का जो लास्ट प्रॉब्लम है। लेकिन यार उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाली बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो यार इस फोन का जो लास्ट यानी फिफ्थ प्रॉब्लम है वो है इसका बिल्ड क्वालिटी। गाइस सैमसंग का एस सीरीज या फिर नोट सीरीज छोड़कर जितना भी फोन्स है ना उसमें हर एक फोन में बिल्ड क्वालिटी का इशू आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि इस फोन में भी आपको बराबर देखने के लिए मिल जाएगा क्योंकि ये सैमसंग है, ऊपर से ये तो एस सीरीज या फिर नोट सीरीज नहीं है। तो यार बिल्ड क्वालिटी का इशू तो आपको फेस करना जरूर पड़ेगा। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मैं अभी यूज कर रहा हूँ रियलमी U1 जो कि 8000 रुपया का एक फोन है। मेरा इस फोन का फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन है एंड 10000 के रेंज में हमें गोरिल्ला ग्लास 3 का ही प्रोटेक्शन मिलता है। लेकिन यार सच बात तो यही है कि सैमसंग का F62 जो कि 25000 का रेंज का फोन है इसमें भी आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का ही प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए पोको M2 प्रो को जो कि 12000 रुपया का फोन है उसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है एंड पोको M2 प्रो में तो आपको पीछे भी ग्लास मिलता है जो कि आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन ही मिलता है। मतलब सामने एंड पीछे दोनों में ही आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है एंड वो भी 15000 के अंदर। एंड सैमसंग का F62 में भी आपको पीछे ग्लास नहीं मिलता है, आपको उधर प्लास्टिक ही देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन यार अगर आप एक टेम्पर्ड ग्लास एंड बैक कवर यूज करेंगे तो शायद आपको बिल्ड क्वालिटी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस करने के लिए नहीं मिलेगा। एंड यार मजे की बात तो यह है कि 25000 का फोन है लेकिन बॉक्स के अंदर आपको बैक कवर नहीं मिलेगा, वो आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। तो यार अभी बताओ आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना एंड अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साइड वाली बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेट कर दो ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। एंड यार आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये फोन बहुत अच्छा फोन है, 25000 के रेंज में वन ऑफ माय फेवरेट स्मार्टफोन है। लेकिन यार हर एक फोन में कुछ ना कुछ तो कमियाँ रहता है तो मैं बस आपको उस कमियाँ के बारे में ही बताया। लेकिन यार आपको अगर वीडियो बुरा लगा कहीं पर भी तो यार आपसे मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि यार मैं जो भी बोला ना इस फोन में जो है मैं उतना ही बोला एंड मैं इसके बारे में पूरा आपको ऑनेस्ट ओपिनियन बताया। एंड आगे भी हमारे चैनल पे जितना भी वीडियोस आएगा उन सारे वीडियोस में मैं फोन का गलत एंड फोन का अच्छा चीज दोनों ही बताऊंगा क्योंकि मैं ब्रांड से ज्यादा आप लोगों से प्यार करता हूँ। तो चलो यार हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।